हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, हम आज आपको सिखाते हैं कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मल्टीमीटर है। ये फ्रेंड्स, इसका सिलेक्टर स्विच है जहाँ से हम प्रोग्राम वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे फ्रेंड्स हमारी प्रोब्स लगेंगी। ये फ्रेंड्स हमारा होल्ड स्विच है जहाँ से हम अपने डाटा को होल्ड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आता है एम्पेयर्स। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम पे हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं अपना, जैसे भी किसी भी चीज़ का लोड चेक करना हो, एम्पेयर्स चेक करने हो। सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को स्विच को एम्पेयर पे सेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पे हम डीसी एसी कोई भी एम्पेयर चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आज आपको एम्पेयर चेक करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गीज़र लगा हुआ है, गीज़र के एम्पेयर चेक करके दिखाते हैं हम आपको। फ्रेंड्स, हमने अपने मीटर को एम्पेयर पे सेट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इस पे प्रोब लगाई, देखिए 8.5-9 एम्पेयर ले रहा अभी। फ्रेंड्स, एम्पेयर चेक करने के लिए हमें किसी भी एक वायर को इस क्लैंप में एडजस्ट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, 9 एम्पेयर ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एम्पेयर के बाद अभी हमारा जो दूसरा पॉइंट है, ये है फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज का। इससे हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं 750 तक। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मीटर की प्रोब्स है। सबसे पहले फ्रेंड्स रेड की जगह रेड लगा दें और ब्लैक की जगह ब्लैक। चलिए फ्रेंड्स, अभी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि वोल्टेज कैसे चेक की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लिया। चलिए अब वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारा बोर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे वोल्टेज चेक हो रही है। 128-130 वोल्ट आ रही है अभी इस तक। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा अगला ऑप्शन है, ये डीसी वोल्टेज का। इस पे हम डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, 1000 तक डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा अगला ऑप्शन है, ये है रेजिस्टेंस का, जैसे कंटिन्यूटी बोर्ड बोल सकते हो। इस पे हम किसी भी चीज़ की, जैसे फ्यूज़ की टेस्टिंग करनी हो, कोई वाइंडिंग की टेस्ट करनी हो, कोई रेजिस्टेंस टेस्ट करनी हो, वो हम जहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी कंटिन्यूटी में दूसरा ऑप्शन है, ये है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का। इस पे हम रेजिस्टेंस एसी की, जो हमारे सेंसर वगैरह होते हैं फ्रिज एसी के, वो हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा अगला है, ये है ओम्स का। इस पे फ्रेंड्स हम कोई भी डायोड वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा अगला, इसे हमारा मीटर ऑफ हो जाएगा। यही था फ्रेंड्स, और इसमें कुछ खास नहीं होता। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना।